नमस्कार, मैं वंशिता शर्मा। अपनी माटी के इस धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बारिश के बीच धान की थ्रेशिंग काफी मुश्किल होती है। हम किसान भाइयों को थ्रेशिंग पर एक्सपर्ट से टिप्स दिलाने वाले हैं। इसी तरह सेब का पूरा हाल भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। हिमाचल में सेब प्रमुख फसल है। ये हमारी आर्थिकी में अपना अहम योगदान देती है। आखिर सेब का कैसे सही तरीके से ख्याल रखा जा सकता है? हिमाचल में इन दिनों ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर मैदानों तक सेब उगाने का ट्रेंड बढ़ा है। लोगों का रुझान तेजी से इस फल को उगाने के लिए देखा गया है। अपनी माटी से कई बागवानों ने सेब के पेड़ के रख रखाव को लेकर रिक्वेस्ट भेजी थी। इसी के चलते हमारी टीम ने एक्सपर्ट डॉक्टर नवीन शर्मा से बात की। आइए देखते हैं क्या मंत्र दे रहे हैं डॉक्टर नवीन। अब हम बात करेंगे जो हमारे कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स है, जिसमें मॉडिफाइड सैटेलाइट सिस्टम से हमने सेब के पौधे ट्रेन किए होते हैं, उनमें हम काट छांट किस तरह से करें। काट छांट का कोई वैसे निश्चित तरीका नहीं है, अलग अलग शाखा को अलग अलग ढंग से डील करना पड़ता है। तो जैसे कोई भी एक ब्रांच पकड़ लेते हैं, इस ब्रांच को अगर हम पकड़ते हैं तो अंदर की तरफ को जो शाखाएं जा रही हैं, जो शाखा हुई है उनको हम पूरी तरह से निकाल देते हैं। ये शाखाएं हमको नहीं चाहिए होती है, जो अंदर की तरफ को गई है इनको हम निकाल देते हैं इस तरह से। अब आगे इस शाखा की तरफ को आते हैं अगर, तो आगे जहां पर भी दो हमें मिल रहे हैं, दो आपको नहीं रखने हैं, एक आपको रखना है। अब बात आती है, ये है जैसे स्पर्स इसमें काफ़ी बने हैं पीछे, लेकिन आगे ग्रोथ वीक है, तो हमको यहाँ ग्रोथ इसकी बढ़ानी है। वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्रूटिंग के बीच बैलेंस का मतलब ये है कि पीछे फ्रूट यहाँ चार पांच पर यहाँ बने हैं, तो इसके लिए इतने पत्ते आगे होने चाहिए ताकि वो इसको फ्रूट सप्लाई कर पाए। तो ये एक चौथाई से लेकर आधे तक काटने की जरूरत पड़ती है। ग्रोथ कितनी है और कितनी ग्रोथ हमको चाहिए उस हिसाब से ये इन सब जगहों पर यहाँ पर हेड बैक करने की जरूरत है। अंदर की साइड की ये शाखाएं निकाल देनी है। इस तरह से हम सारी ब्रांचेस को वन बाई वन पकड़ करके जहाँ जहाँ जैसी जरूरत है उसके हिसाब से इनको प्रून करते रहते हैं, हेड बैक करते, क्योंकि इन पर वैसे यहाँ स्पर डेवलप हुआ है जैसे, लेकिन यहाँ ये छांव में रहेगा। अगर इसके ऊपर फ्रूटिंग होती भी है तो वो आपके फ्रूट क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। और इस तरह से जब हमने पिछले साल कोई ब्रांच काटी होती है उसके पास से कई बार झुंड में निकल जाती है, कई सारी शाखाएं होती है, लेकिन इन शाखाओं से भी हमारा इनको बढ़ने के लिए आगे कहीं कोई जगह नहीं है, तो इनको सबको हम निकाल देते हैं। तो ऐसी ब्रांचेस को हम आउटर पोर्शन में स्पर फॉर्मेशन हो जाए तो एक साल बिना काटे छोड़ सकते हैं। इस बार जैसे हम इसको हेडबैक नहीं करेंगे, ऐसा छोड़ देंगे सही दिशा में, तो ये सारी स्पर से भर जाएगी। लेकिन अगले साल इसकी परिस्थिति लगभग वैसी होगी, ग्रोथ कम दिखेगी, स्पर ज़्यादा दिखेंगे, तब हमको अगले साल अल्टरनेट ईयर्स में हेडबैक करने की जरूरत पड़ती है। एक साल उनको आउटर ब्रांचेज को, ये जैसे इन ब्रांचेज को हम इसको बिना हेडबैक किए भी छोड़ सकते हैं। बाकी तो अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग क्या उसकी परिस्थिति है, क्या ग्रोथ बढ़ानी है, कहाँ ग्रोथ चेक करनी है, तो जब हम हेडबैक नहीं करते हैं तो हम ग्रोथ चेक कर रहे होते हैं, स्पर फॉर्मेशन को बढ़ा रहे होते हैं, और जब ब्रांच का कुछ हिस्सा काट रहे होते हैं यानी कि हेडिंग बैक कर रहे होते हैं, तो समझिए कि हम ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं और एक बैलेंस वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्रूटिंग में मेंटेन कर रहे हैं। हिमाचल में इन दिनों सेब सीजन चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों का सेब सीजन पर कुछ खास असर हो रहा है। हिमाचल में सेब सीजन अब ढलान पर है। अब ऊंचाई वाला सेब मार्केट में आ रहा है। इन दिनों रॉयल सेब को 1500 से लेकर 2200 रुपए प्रति पेटी मिल रहे हैं। अमूमन 15 सितंबर के बाद ऊंचाई वाले इलाकों का सेब मार्केट में आता था। ये वो समय होता है जब कश्मीर का सेब आ जाता है और बागवानों को उचित दाम नहीं मिल पाते, लेकिन इस बार बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। ऐसे में अराइवल कम हो गया है, इसके चलते बागवानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। बागवानों ने बताया कि बारिश के कारण तुड़ान कम हो रहा है। अगर यही क्रम चलता रहा तो इस बार सेब सीजन के अंत में बागवान काफी राहत महसूस करेंगे। दूसरी ओर अब तक मार्केट में 2.25 करोड़ पेटी आ चुकी है। इसमें वह सेब भी शामिल है जो सरकार बोरी में खरीद रही है। कुल मिलाकर ये सेब सीजन बागवानों को काफी कुछ सिखा रहा है। हिमाचल में धान को प्रमुख फसलों में गिना जाता है। निचले हिमाचल में इन दिनों धान की फसल पकने को है। आखिर कटाई का सही वक्त क्या है? हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो धान की कटाई का सही समय नहीं भांप पाते हैं। ऐसे में जरा सी चूक उनकी 6 महीने की मेहनत को खराब कर देती है।
धान की कटाई कब करनी चाहिए, धान को कब पका हुआ माना जाना चाहिए, काटने के बाद कितना अवशेष खेत में रहना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक सरयाल से बात की। आइए जानते हैं कि क्या कह रहे हैं प्रोफेसर सरयाल। किसान भाइयों नमस्कार, आज हम धान की फसल की कटाई के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में अधिकांश क्षेत्र में धान की फसल की कटाई की जाती है। कटाई करने का उपयुक्त समय क्या है? कटाई करते समय दो तरह से धान की फसल की पहचान की जाती है, एक तो दानों से और दूसरा बालियों से। धान के दाने जब पकने को आते हैं तो सूखने लगते हैं। जब 20-25% धान के दानों में नमी रह जाए, ये हम अपने हाथों से धान के दाने को दबा के देख सकते हैं, तो वो धान की कटाई का उपयुक्त समय है। दूसरा, धान की बालियां पकते समय पीली पड़ती हैं। 80-85% तक जब धान की बालियां पीली पड़ जाएं, तो समझिए धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई करते समय ध्यान रहे कि धान के खेत में पानी खड़ा ना हो। अगर पानी खड़ा है तो उसको कटाई के दिन से 7 से 10 दिन पहले उसको बाहर निकाल दें। धान कटाई करते समय अगर आप दरांती से अपने आप कटाई कर रहे हैं तो अवशेष को कम से कम खेत में छोड़ें और धान काटने के बाद धान की बालियों को एक दिशा में रखें ताकि थ्रेसिंग करते समय उसमें आसानी हो। यदि आप हार्वेस्टर कंबाइनर या मशीनों से धान की कटाई करते हैं तो उसमें धान के अवशेष खेतों में अधिकतर बच जाते हैं। धान की सुखाई करते समय ये ध्यान रहे कि धान नमी, ओस या बारिश से जो है वो ख़राब ना हो। धान की कटाई जिस दिन आपने करनी है उस दिन से अगले 2 दिन तक बारिश आने की संभावना ना हो। बारिश की जानकारी आप आजकल कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से समय समय पर प्रदान की जाती है। धान कटाई के बाद जो अवशेष खेत में बच जाते हैं उन अवशेष को ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसान भाई जला देते हैं। जलाने से 2 तरह का नुकसान होता है, एक तो वातावरण दूषित होता है और दूसरा जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाते हैं वो जल जाते हैं। इसीलिए धान के अवशेषों को जलाए ना, इसके बजाय आप हल से पासा पलटा पलट करके उनको मिट्टी में मिला दें। मिट्टी में मिलाने से खेत की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है और अगली फसल के लिए खाद उपलब्ध होती है। इस तरह अगर हम धान की कटाई, उसका रख रखाव और अवशेषों का हम संरक्षण करते हैं तो उससे ना केवल धान की भरपूर पैदावार अपितु हम उसकी गुणवत्ता भी बनाए रखने में कामयाब होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। दालचीनी एक गरम मसाला है जो दक्षिण भारत के अलावा श्रीलंका आदि देशों में पाया जाता है। अब इसे हिमाचल में भी उगाने का रास्ता साफ हो गया है। IHBT के वैज्ञानिक हमेशा नए नए प्रयोगों से खेती और बागवानी में अपना योगदान देते हैं। इसी कड़ी में IHBT के वैज्ञानिकों ने अब हिमाचल में गर्म मसाले दालचीनी के उत्पादन की बात कही है। दालचीनी की फसल दक्षिण भारत खासकर केरल के अलावा श्रीलंका, वेस्ट इंडीज आदि देशों में होती रही है। इसके दाम भी खूब रहते हैं। अगर हिमाचल में ये प्रयोग सफल रहता है तो किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। शुरू में प्रदेश के 5 जिलों ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर में दालचीनी की खेती की जाएगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हाल ही में ऊना जिला से इसकी शुरुआत की है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि IHBT ने हिमाचल प्रदेश की जलवायु को दालचीनी की पैदावार के लिए अनुकूल बताया है। प्रदेश में अब दालचीनी की पैदावार करके किसानों की आय को सुदृढ़ किया जाएगा। मनरेगा के सहयोग से इस खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। IHBT ने ये शोध किया है कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इन 5 जिलों के अंदर जहाँ कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर, यहाँ का जलवायु जो है वो इस खेती के लिए जो है वो अनुकूल है और उसको चलते हुए IHBT ने हमें पहली बार 500 से ज़्यादा पौधे जो है वो उपलब्ध करवा करके हमने जहाँ उन्नत किसानों को जो है वो ये खेती के लिए जो है वो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और आज इसकी शुरुआत जो है
वो हमने हिमाचल प्रदेश जिला ऊना से की है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में हम मनरेगा के सहयोग से हम इस खेती को जो है वो बढ़ावा देंगे, ताकि जो हमारे जो छोटे किसान हैं उनकी आय भी बढ़े। और अब चलते चलते कुल्लू के बागवानों का तारणहार बना जापानी फल नाशपाती सेब के कम दाम मिलने से आहत फार्मर्स को मिल रहे किलो के 60 रुपए। निचले हिमाचल में धान की अर्ली वैरायटी पर बारिश का बुरा असर, किसान बोले फील्ड दौरा करके नुकसान का आकलन करे सरकार। पशुपालक बोले एंटी रेबीज डे के साथ कुत्तों के बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम पर भी काम करे सरकार, हर और बढ़ रहा खौफ। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।